हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्रिक्स में। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट थर्ड पे। पार्ट थर्ड जो है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, तो उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में ये एक अलग से टॉपिक आता है, तो आज का हमारा वीडियो उसी पर होगा। हम 2 से 3 क्वेश्चन देखेंगे इसके, लास्ट में आपको होमवर्क क्वेश्चन देंगे और आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अपने टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके 2 पार्ट्स पहले भी मैं अपलोड कर चुका हूं, जो कि एक तो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड ट्रिग्नोमेट्री टेबल, जिसमें वैल्यू पुट करनी होती है। अगर आपने वो नहीं देखे हो तो प्लीज जाकर जरूर देखें उसको, उसके बिना ये समझना पूरी तरह से पॉसिबल नहीं है, वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है। तो वो वीडियोज भी जाके देखें, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फॉर्मूलेस कैसे लिखे जाए। तो अब आप देखेंगे कि यहां पर 3 फॉर्मूले दे रखे हैं, ये इसका रिवर्स ही है, कॉस और साइन को इंटरचेंज कर दिया है, ठीक है। तो अब बात करें कि कैसे लिखे जाए, तो इसका एक सीक्वेंस बताया था मैंने आपको, इसको लिखने का एक सीक्वेंस होता है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। तो इन सब क्या थीटा लगा देते हैं, तो सारे थीटा आ गए, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। आप हमेशा इसको इसी सीक्वेंस में याद रखें, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। इससे आपको सारे फॉर्मूलेस, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलेस लिखने में इजी रहेगी, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूलेस कैसे बनाया जाए वो देखते हैं हम। हमको इसी सीक्वेंस में लिखना है हमको, पर कैसे, साइन कॉस टैन कॉट सेक एंड कॉसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, हमको इसी सीक्वेंस में लिखना है। तो साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक इसी सीक्वेंस में आ गया। यहां पर लगा दीजिए इक्वल्स, इधर आ जाएगा थीटा एंड यहां पर आ जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये बन गए हमारे ये फॉर्मूले सारे। अब ये जो दूसरा पार्ट जो बचता है ये रिवर्स कर देना है, कॉस इधर है साइन इधर है, तो इसको चेंज कर दें। यहां पर आ जाएगा cos थीटा इक्वल्स टू साइन, इधर जाके साइन 90 माइनस थीटा। तो ये तो हुई हमारी ट्रिक फॉर्मूलेस याद रखने की। तो फॉर्मूला ये दो ये हो जाएंगे सेम, ऐसे दो ये आ जाएंगे एंड दो ये आ जाएंगे, तो टोटल 6 तरह के फॉर्मूले होते हैं ये। तो चाहे तो आप याद कर लीजिए, चाहे इस ट्रिक से याद रख लीजिए। ये ट्रिक वो काम की है कि आप कभी नहीं भूलेंगे, मतलब आपका रिविजन नहीं भी हुआ हुआ है इस टॉपिक का, तो भी आप इस सीक्वेंस से सारे फॉर्मूलेस लिख सकते हैं। यही नहीं, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलेस लिख सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में मैं सारे बताऊंगा, इसी सीक्वेंस से ही लिखने हैं अपन को। तो ठीक है, ये तो हुई थर्ड तक की बात। फोर्थ एंड फिफ्थ जो बचता है ये भी हम इसी टॉपिक में कवर कर लेंगे। ये लिखना भी काफी ईजी होता है, साइन कॉस, तो साइन अपॉन कॉस इक्वल्स टेन एंड कॉट निकालने के लिए इसका रिवर्स कर देते हैं। तो टेन थीटा जो होता है उसको साइन अपॉन कॉस भी लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस इक्वल्स टू टेन थीटा होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट में हम इसको उल्टा कर देते हैं, कॉस अपॉन साइन, यानी कॉस अपॉन साइन आ जाता है ये। तो ये तो हुई आज की हमारी फॉर्मूले की बात। हम नेक्स्ट अब सीधे बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर बात करें अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की कि इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। साइन स्क्वायर 21 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 69 डिग्री इज इक्वल्स टू, हमको बताना है कि किसके इक्वल्स होता है। अब देखिए यहां पर हमने पहले देखा था कि हम जो डिग्री की वैल्यू लिख सकते हैं वो थी 0, 30, 45, 60 एंड 90, ये हमने इसकी पहले वाली वीडियो में देखा था, यानी ट्रिग्नोमेट्री पार्ट टू में देखा था। अगर डिग्री ये सारी डिग्री में है, इस डिग्री में हो सारी वैल्यूज, तो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन 21 और 69 की वैल्यू पुट करना इम्पॉसिबल है, बहुत लेंदी जाएगा, वो अपन को नहीं देखना है। हम जो है इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज करेंगे कैसे। अब देखिए यहां पर साइन की टर्म दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है, आप डरिए मत, स्क्वायर में भी कन्वर्ट हो जाता है। अब साइन वाला जो टर्म आ रहा है वो इधर आएगा, ठीक है। तो क्या होता है ये, एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं अपन, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, ये होता है। अब देखिए आपको क्या दे रखा है, यहां पर थीटा की जगह हमको वैल्यू पुट करनी है, तो ये हो जाएगा साइन 21 डिग्री इक्वल्स टू कॉस 90 डिग्री माइनस 21, यही है, थीटा की वैल्यू पुट कर दी हमने, थीटा की 21 थी, तो ये हो जाएगा साइन 21 डिग्री इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस 21 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 69 डिग्री
यानी हम साइन 21 डिग्री की जगह कॉस 69 डिग्री लिख सकते हैं। तो अब जब हम ये वैल्यू अपने क्वेश्चन में पुट करेंगे, ठीक है, वैल्यू क्वेश्चन में पुट करेंगे तो साइन 21 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 69 डिग्री, कॉस 69 डिग्री। लेकिन यहां पे साइन स्क्वायर है तो हम क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर 69 डिग्री। ये तो इसकी वैल्यू आ गई पूरे की, एंड बाकी का एज इट इज, माइनस कॉस स्क्वायर 69 डिग्री। ये हमको सॉल्व करना था। अब आप देखेंगे दोनों सेम है, बीच में माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये कैंसिल आउट होके हमारा आंसर आया जीरो। तो ये इसका आंसर था, काफी इजी होता है। आपको ये चीज कन्वर्ट करनी आनी चाहिए जो कि इस फॉर्मूले से कन्वर्ट हो जाती है, और बाकी काफी इजी होते हैं। हम एक और क्वेश्चन देखेंगे, उससे आपका डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो बात करें अगर अपने क्वेश्चन नंबर टू की, तो वो कुछ इस तरह है, साइन 39 डिग्री प्लस कॉस 51 डिग्री डिवाइड बाय साइन 51 डिग्री प्लस कॉस 39 डिग्री। इस क्वेश्चन में एक जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए वो ये कि आपको जो है सारी डिग्री जो है वो सेम करनी है। ये नहीं कि आप ऊपर वाला साइन कर ले तो नीचे वाला भी साइन कर ले, उससे आपका आंसर नहीं आएगा। हमको जो देखना है उसमें वो देखना है कि ये जो डिग्री में जो दी हुई है वैल्यू, ये सारी सेम हो जाए। यानी 39 को हम कन्वर्ट कर लेंगे 51 में, एंड यहां पर ये तो 51 है ही, हमको 51 ही चाहिए, तो इस 39 को भी हम 51 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ऐसे हम इसमें देखें तो साइन 39 डिग्री इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस 39 डिग्री हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस 51 डिग्री। लिख लेते हैं हम इसको, तो ये हो जाएगा साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉस 51 डिग्री डिवाइड बाय ये साइन, अपन को 51 ही रखना, तो इस वाले साइन को चेंज ना करके हम करेंगे साइन 51 डिग्री प्लस कॉस को कर देंगे, तो कॉस इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस 39, थीटा यहां पर 39 है, 51 नहीं है, हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से थीटा 39 है, तो ये हो गया। अब हम आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस 51 डिग्री प्लस कॉस 51 डिग्री डिवाइड बाय ये हो जाएगा साइन 51 डिग्री प्लस साइन 51 डिग्री। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस 51 डिग्री अपॉन 2 साइन 51 डिग्री, 2 से 2 कैंसिल आउट, एंड कॉस अपॉन साइन, जब थीटा सेम हो तो कॉस अपॉन साइन होता है कॉट थीटा, तो यानी कॉट 51 इसका राइट आंसर है। अब आप कहेंगे कि हम इधर कॉस ना चेंज करके, इधर साइन ना चेंज करके हम कॉस चेंज कर देते, तो आपका आंसर जो आता वो आता tan 39 डिग्री आता आपका। अगर आप ये यहां तक अपना आंसर सही है, अगर आप सेकंड मेथड में, अगर आप यहां पर हमने किसको साइन को कन्वर्ट करा, यानी हमने सारी 51 डिग्री में ली, अगर आप 39 में लेते तो अपना आंसर आता 39 tan 39 डिग्री, जिसको हम और क्या लिख सकते थे, tan थीटा इक्वल्स टू कॉट 90 माइनस थीटा, तो इसको हम लिख सकते थे कॉट 90 माइनस थीटा यानी 39 डिग्री, जो कि हो जाता है कॉट 51 डिग्री, जो कि वापस हमारा यही आंसर आ जाता। तो मेथड हल्का सा चेंज हो जाएगा, बाकी जो है आपकी वैल्यू पुट करने की अलग हो जाएगी और आंसर सेम ही आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर टू, आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इसमें जो हमको ध्यान रखना है, हमको जो है थीटा की वैल्यू सेम करनी है, यानी सारी या तो 51 कर लीजिए या सारी 39 कर लीजिए, उससे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो था अपना क्वेश्चन नंबर टू, आज की वीडियो में यही था। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम करेंगे होमवर्क क्वेश्चन की, ठीक है। तो बात करते हैं अपने क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन की, जो कि है साइन 25 डिग्री प्लस कॉसेक 10 डिग्री माइनस कॉस 65 डिग्री माइनस सेक 80 डिग्री होल डिवाइड बाय टेन 15 डिग्री माइनस कॉट 75 डिग्री। तो ये था आज का अपना होमवर्क क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट में जरूर लिखें, और आगे भी ऐसी वीडियोस मिलती रहेगी। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो गया, तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, इसमें हम जो है इनके हिसाब से पेयर बनाए, साइन एंड कॉस के हिसाब से पेयर बनाए, साइन और कॉस का पेयर बन रहा है तो वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, तो साइन और कॉस का एक कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, एंड कॉसेक और सेक, ये देखिए यहाँ पे कॉसेक एंड सेक का भी एक कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है, एंड सेम एज टैन एंड कॉट का भी ये एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है,
और एक और जो ट्रिक होती है वो आप देख सकते हैं, इनके एंगल का जो सम होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो दो बन रहे हैं, यहाँ पे टेन और कॉट बन रहा था, इन दोनों के एंगल का सम हमेशा 90 होगा। 75 प्लस 15 90, साइन और कॉस का बन रहा था तो 25 प्लस 65 90 एंड 80 प्लस 10 90, तो ये आपस में पेयर है और ये ही कैंसिल आउट होंगे, तो आप ऐसे करें इसको। तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें, और आप इसको #SuccessTricks96 नाम से भी सर्च कर सकते हैं।